गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो। तो आज हम जाएंगे सचपास, और सचपास से पहले एक काम करना ज़रूरी है। चलने से पहले ये देखो, लंका लगी पड़ी है चैनों की। बाइकें ऐसी हो रही है जैसे मिट्टी से खोद के निकाली है। तो चलो पानी वानी मरवा के लाते हैं, फिर लगाएंगे इनके लूब और क्लीनर। पहले क्लीनर फिर लूब। चलो, वैसे किलर से आगे जाना था सतपास, जाना था नहीं, जाना है, उसके बाद जाना था स्पीति। और स्पीति अब नहीं जाएंगे क्योंकि मैं तो जाना ही नहीं था, मेरी तो तबीयत खराब थी। और ये बंदे पता है क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि पिछली बार लद्दाख में एक बंदे ने बोल दिया था मेरे बारे में कि मेरे को अकेला छोड़ के चला गया। कि मैं ना बोलता हूँ इनके बारे में कि भाई मेरे को अकेला छोड़ के चले गए, मैं क्यों बोलूँगा यार, मेरी तो तबीयत खराब है, मेरी दिक्कत है, इनकी थोड़ी दिक्कत है। लो भाई, चैन लूप हो गई, तेल की टंकी हो गई ऑफ, देखते हैं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। फिलहाल 3 घंटे दिखा रहा है, वैसे तो ज़्यादा है, बढ़ गया एक हाफ से ही कम होगी। अभी 78 किलोमीटर और ऑफ रोड बचा हुआ है, देखते हैं तबीयत कितना साथ देती है। अब 78 किलोमीटर यहाँ से वही डस्टी वाला ऑफ रोड है जिसमें दोबारा से वाट लगेगी बाइकों की। मतलब भाई साहब, ये ऐसा रोड है मतलब बाइकों की बिल्कुल मतलब लगा नहीं हो ना लंका, तो बस ले आओ बाइक है यहाँ पे। और जिसकी बहुत ज़्यादा नीची बाइक हो या फिर अलग कैटेगरी की बाइक हो वो तो ना लाएं तो बढ़िया रहेगा, वरना कुछ स्पेयर पार्ट यहीं रह जाएंगे और बाइक टोचन करके ले जानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। देखते हैं कितने घंटे लगेंगे यहाँ से जाएंगे हम बैरागढ़ शायद पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ से टैंक फुल कराना है। कल रात को यार इतने अच्छे एडवेंचर रोड पे से आए हम, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, मज़ा ही ख़राब हो गया, सारा जंगली एरिया सब। ये देखो कितनी छोटी छोटी लिकों पे से आए थे हम, स्वाद आ जाता है यार रिकॉर्डिंग होती तो, लेकिन अंधेरे में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। वो देखो उधर देखो, क्या बात, वहाँ जाना है, वहाँ ऐसे 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 बिल्कुल नीचे जाके फिर ऊपर जा रही है ऐसे रोड, मज़ा आ जाएगा। अच्छी चीज़ देख के एनर्जी से आ जाती है, बुखार उतर सा जाता है ना। अभी हुआ मेरे साथ एकदम से ऐसा। क्या बात है, वो थोड़ी सी रोड आई भाई, मज़ा आया चला के। बट यहाँ पे ज़्यादा भगा के पंगे लेने वाला काम है, बताऊँ कैसे। ये सारी अगर ये छोटी सी रोड भी है तो सारी बजरी वाली है, अगर हल्का सा आपने कर भी ले लिया ना तो भी बिच जाना है, यहाँ पे लेट जाना है। अजीब वो गरीब, वो देखो वहाँ से एक आ रही है नदी, एक यहाँ से जा रही है, दोनों मिक्स हो रही है यहाँ पे। और पहाड़ की ऊंचाई तो बस पूछो ही मत, मेरा ड्रोन तो शायद पहुँचेगा नहीं इतना ऊपर, लेकिन ड्रोन शॉट बहुत मस्त लेंगे भैया, क्योंकि हमने तबीयत खराब होने की वजह से सब कुछ मिस कर दिया भैया। अच्छे अच्छे सीन, अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स, बस ऐसे ही पागलों की तरह बाइक चला चला के जाके और वापस आ गए। ओह, गला मेरा दोबारा से दर्द कर रहा है, पता है मैंने बेटाडीन के मतलब बेटाडीन से गर्म पानी में डाल के गरारे किए पहली बार, फर्स्ट टाइम जिंदगी में। वो तो उसने गुप्ता जी ने बता दिया जहर है ये, अंदर मत जाने दियो। मैं अगर अकेला होता पता नहीं अंदर भी चला जाती थोड़ी बहुत, तो बड़ी सावधानी से गरारे किए। थोड़ा सा अभी गले की वाट लगी हुई थी, अभी ठीक है।
ये भी पूरा मतलब ब्रिज खत्म सा हो रहा है। ओहो डग 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 हाय हाय क्या बात है। मजा आ रहा है यार अब थोड़ा सा, पता नहीं नज़ारे देख के तबीयत थोड़ी सी खुश हो गई है या फिर तबीयत ही थोड़ी सी ठीक हो गई है इसलिए नज़ारे अच्छे हो गए, पता नहीं समझ नहीं पा रहा मैं। आंखें दर्द करने लग गई शायद, बुखार ज़्यादा चढ़ गया दोबारा से, बिकॉज आँखों के पीछे दर्द हो रहा है बंद कर रहा हूँ जब। एकदम से खाई, एकदम से पहाड़, यो टगर। तो यहां से रह गया है सच पास 15 किलोमीटर। मैं तो कह रहा था एक नंबर की लोकेशन है, ड्रोन शॉट ले लेते हैं, मान ही नहीं रहे, बोले आते हुए लेंगे। तो ठीक है भाई चलो आते हुए ले लेंगे। बाकी मज़ा तो अभी था यार आने का, ड्रोन शॉट लेने का, बिकॉज धूप इधर की थी, ज़बरदस्त लोकेशन थी, मज़ा आ जाता ड्रोन शॉट का। फिलहाल चढ़ते जा रहे चढ़ते जा रहे, देख लो चढ़ाई का लेवल देख लो आप, ऊपर चढ़ते जा रहे। ओ भाई साहब बिल्कुल खड़े चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं। ओह मिट्टी तो ऐसे उड़ रही है जैसे पाउडर। ओ माय गॉड, आज ही सारा धोला धोला करना है। फर्स्ट फॉल घूम गई गड्डी इत्थे, उधर कैमरा रिकॉर्डिंग करके आएगा, रिकॉर्डिंग करके आएगा। हाँ मैं सोचू था एक थंबनेल तो चाहिए बाइक गिरी हुई का। ओह आ जाओ। अरे यहाँ पे स्किट कर गई कॉर्नरिंग पे।
भाई जब बुखार होता रहा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। छोड़ दी मैंने, घूमते ही छोड़ दी, मैं जा तू पढ़ जा, मैं नहीं पढ़ना। उठ लो उतर लो। आ जा भाई, पड़ गया नीचे शरीर में। रुक 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 रुक, शरीर में जान कौन थी, नहीं तो पड़े तो कौन नहीं। अरे पैर टिक गया था मेरा इधर। सुन सैडल सैडल स्टे था, चलो यो। अरे चक्कर ही आम तो फर्स्ट टाइम मेरी बाइक मुझसे गिरी है जिंदगी में, पहली बार। आज 2 साल से ऊपर हो गए इस बाइक को, फर्स्ट टाइम मेरी बाइक गिरी है। नाम मत नहीं गिरे, बिकॉज सैडल बैग है ना, सब उसी पे टिक गई बाइक, नीचे लगी ही नहीं बाइक, गिरती नहीं, शरीर में जान नहीं बची ना, मैं वेट उठा नहीं पाया बाइक का सारा। वैसे भी राइट साइड में खाई थी, मतलब खाई क्या, मतलब गड्ढे टाइप सा था, तो राइट साइड में पूरा प्रेशर पंजे पे डाल रखा था मैंने, लेकिन फिर भी 4 दिन के बुखार ने मेरी लगता है एनर्जी सारी ख़त्म कर दी। शरीर में बहुत नुकसान होता है यार, कभी भी ऐसे राइड मत करना बारिश मतलब बुखार बुखार में। और ये देखो पानी उल्टा जा रहा है यार, रिवर्स ऊपर पानी जा रहा है। क्या बात है। ओ बारिश पीके सारा झरना ऊपर ही आ गया। ओ कैमरा भी गंदा हो गया। ओ तो बहुत ऊपर जाना है, ऊपर से देखो बिल्कुल काला बादल है ना, उसके पीछे पहाड़ है, दिख नहीं रहा, देखो वो रहा उधर से जा रहा है, और पता नहीं कितना ऊंचा पहाड़ है। भाई साहब सॉलिड वाली ऑफ रोडिंग है। सही मजा आ रहा है। ओह यहाँ के नजारे चेंज हो जाते हैं, बर्फ जैसी ठंडे हवा चल रही है यहाँ पे, बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही है अभी फिलहाल, करंट लग रहा है करंट। गलत गलत ले लिया, चढ़ गई। ठंडक का एहसास यहाँ पे इतना हुआ है, इतना हुआ है कि बस अंदर तक ठंडक घुस गई शरीर के। ओ भाई क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं हम तो, लो भाई पता भी नहीं लगा। सो फाइनली वी रीच सच पास, और यहाँ पे पहुंच के काफी अच्छा लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद, इतना बुखार होने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद कि हम यहाँ पे पहुँच गए। हो क्या बात है, अल्टीमेट वाला एक्सपीरियंस है,
वो वहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग करके भागना है। भागी जाएगी भाई साहब? ये भाई साहब 4 किलोमीटर पहले भाग रहे थे वापस। भाई साहब पेट्रोल के चक्कर में, पेट्रोल के चक्कर अगर वहाँ से उल्टे चले जाते ना 45 किलोमीटर ऑफ रोड दोबारा करना पड़ता, वापिस जाना पड़ता, तेल की लगती सब लगती। अब यहाँ से डायरेक्ट 35 किलोमीटर बाद क्या आ जाएगा, बैरागढ़। वहाँ से पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, सब सेट हो जाएगा। तो भाई साहब मैगी बन रही है, एक एक खा चुके हैं 2-3 दिन में। अब मैगी खाई है मैंने, थोड़ा सा देखते हैं एनर्जी आती है कि नहीं आती, इसलिए खाइए कि शरीर में थोड़ी सी जान हो जाए एक वाटर क्रॉसिंग आके उसको क्रॉस करने के लिए। तो दूसरी मैगी आ रही है, खाते हैं और फिर निकलते हैं, 2-4 फोटो खिंचाएंगे और निकलेंगे। क्यों बबी पाजी? यस पाजी। ठंड बहुत ज्यादा हो गई, हाथा कट रहे हैं और मजा आ गया सच में, बहुत जबरदस्त। मतलब जिसको अपने बाइक के सस्पेंशन पे शक हो तो यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। लो भाई ढक गया सब कुछ बादलों से और सिर में ठंडी ठंडी हवा लग रही है। लो भाई बाय बाय पास। अब जल्दी हम बैरागढ़ की तरफ, बैरागढ़ यहाँ से 35 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर तक ही ऑफ रोड है ये, उसके बाद रोड आ जाएगी। और कभी भी ना ठंड हवा से होती है, बर्फ़ से नहीं होती, बिकॉज मैंने विंटर स्पीति की हुई है यार। कभी कभी मतलब बहुत सारी बर्फ़ थी, मतलब जहाँ पे वहाँ पे ठंडी नहीं लग रही थी और कहीं बर्फ़ नहीं थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ हो वहीं ठंड लगेगी, नहीं, ठंड वहाँ लगती है जहाँ पे ज़्यादा हवा चल रही हो तीखी, वहाँ ठंड लगती है, बर्फ़ से ठंड नहीं लगती। हो और अब यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा है, गोली की तरह लग रही है हवा। सीमा आरंभ, हिमाचल प्रदेश, चंबा 100 किलोमीटर है। सार दिन मांगते रहे, मांग दे दो दे दो दे दो, कभी दे भी दिया कर। भाई साहब अपनी पेनल्टी बहुत बड़ी है, अभी तक तेल नहीं मांग रही। 200 किलोमीटर की रेंज बतिया की, कोई बात नहीं, धक्का मार दें। लो भाई अंधेरा हो गया, यहाँ पे नेट मिल गया था, काफी देर नेट ही देखते रहे, YouTube संभाला, Instagram संभाला, एक दो स्टोरियाँ पोस्ट की, फ़ोटो पोस्ट नहीं की बिकॉज बब्बू बाजी ने मेरे को मेल करके फ़ोटो नहीं दी, तो हाई डेफिनेशन की वीडियो चाहिए, फ़ोटो चाहिए। ओ मेरी जान, नहीं गंदी बात, बाय। पता मैं इन दोनों से पीछे इतना क्यों चल रहा हूँ, बिकॉज रोड पे इतने सारे केक पड़े हुए, इतने सारे केक पड़े हुए, मैं नहीं चाहता कि फ्री फंड में किसी और के नाम का केक मैं खा लूँ। ये देखो केक ही केक पड़े हैं रोड पे, और अनुज भाई साहब सीधा मेरे मुंह पे मारे कदे केक बगा के। ओ ये केक, केक के ओनर्स देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। तुम्हारे भाई की थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक हो रही है ना अब?
तब तुमको मजा भी आ रहा होगा। सॉरी यारो, अगर आपको वीडियोस में ज़्यादा मज़ा नहीं आया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज़ यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं यार क्या तो बनाता, मतलब कई जगह कैमरा ऑन किया, कान सुन थे, दिमाग सुन था, शरीर काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या, क्या ना करूँ, क्या रिकॉर्ड करूँ, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब सब यार, मतलब मेरे सीमाओं से दूर था सब कुछ। भाई साहब पेट्रोल डलवाते डलवाते अपने अंदर भी करंट आ गया तो यहाँ पे मिले अपने भाई लाडले मिले। भाई के कहाँ जा रहे हो? अभी पंगी वैली जा रहे हैं, तो अभी तबीयत बहुत बढ़िया लग रही है। अब पूछ सकते हैं अनुज बाबू जी, अब पूछ सकते हैं भाई साहब कैसे हैं? तबीयत कैसी है बताओ? अब तो बढ़िया लग रहा है। फिर चले फिर स्पीति आए, ये तो अब तो तू दिल्ली भाग रहा है। तो आ दिल्ली हूँ भाई। अभी गले में टाइम लगेगा, लेकिन तबीयत अभी अभी ठीक लग रही है, बाकी पता नहीं, अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक हो जाएगी, ठीक है बाजी, मतलब बेस्ट ऑफ लक, अपने आराम से राइड करके आना। फोन में पिक्चर लेनी थी। ओ दो ले हुए, तीन ले हुए, चलो बाद में मिलते हैं, भाइयों के साथ बात करते हैं थोड़ी देर। तो भाई साहब ये छोटा सा डब्बा है और इसने दो बार मेरे रीटेक करवा दी इसने। किसने भाई? इसको हैशटैग गाली। तो ये छोटा सा डब्बा है, यहाँ से 62-65 चंबा है और हमें जाना है डलोजी। और ये हमारा एक बंदा है गोयल साहब। यस सर। ये कह रहा है मैं डायरेक्ट दिल्ली जाऊँगा। मेरे में करंट पूरा भाई। करंट नहीं भाई साहब, हम वीडियो में बोल लेंगे फिर। क्या कि हमने मना करा था फिर भी मेरे को अकेला छोड़ के चला गया। काम है, कल मेरे को दिल्ली पहुंचना है किसी भाई। अब तक जब हम तेरी मजबूरी का क्या मतलब है, हम को अकेला नहीं छोड़ गया। जब हम स्पीति जा रहे तो काम नहीं था, वापस जा रहे घर तो काम हो गया भाई। क्योंकि भाई साहब मेरे को भी बोल दिया था किसी ने, मेरे को भी काम होते हैं, मेरे भी तो मजबूरी होती है। मेरी मजबूरी किसी ने नहीं समझी है, मेरे को गालियां दी लोगों ने। तो भाई प्याज व्याज आ गए, बब्बू प्याज एक किलो प्याज खाएंगे अभी। अभी दाल और आलू मटर है, मैंने दोनों मंगा लिए। दाल और आलू मटर काले काले दिखेंगे, हम क्या करें, हर जगह ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। अब देसी खाना भाई, मैं तो वैसे ही खाना प्रेफर करता हूं, मेरे को मजा आता यार। राजमा दा अब फटाफट जेब में भर लेते हैं इसको और निकलते हैं। बड़ा जेब। बस करो यार तुम दोनों डब्बे पे, किसी और को खाने के लिए भी छोड़ दो कुछ खाना। ना भाई, ना भाई। कल का क्या पता क्या हो, आज तो खाई देना भाई। इतना हिल के ना पेट में बहुत ज्यादा भूख लगी। तो भाई दो तीन दिन में खाना खाया आज, बहुत अच्छा लगा। तबीयत अच्छी होती है तो खाना भी अच्छा लगता है। भाई ने खाया, हमने नहीं, हम तो रोज खा रहे हैं भाई। नहीं ये तो रोज खा रहे हैं, लेकिन हाँ सच में आज मजा आया खा के। लो भाई पेट पूजा होगी, खाना पहले इसलिए खा लिया बिकॉज पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे, कहाँ जाके सोएंगे, तो अब खाना खा लिया तो खाने की टेंशन खत्म, बस होटल की दिक्कत रहेगी, अब बस सोना है जाके। सो भाई साहब डोलोजी पहुँच गए और बब्बू पाजी अपने मोबाइल चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब। एक बंदा बाथरूम में बड़ा हुआ, आधे घंटे से निकल ही नहीं रहा। सो ये रूम लिया हमने 1500 रुपये में डलोजी में, और सुबह निकलेंगे हम चंडीगढ़ की तरफ। आज का रूट मतलब अगर आप किलर से सच पास जाते हो तो बहुत ही ख़तरनाक वाला है, अगर आप इधर से जाते हो डलोजी की तरफ से सच पास तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल है। तो ट्यूब वाले टायर तो बिल्कुल भी ना ले जाना, क्योंकि अगर पंचर हो गया तो कहीं लंका लग जानी है। सो जैसे भी बनी यार, आप देख लेना, लाइक डिसलाइक करना आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता है चार दिन से मैं कैसी वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे हिसाब से बहुत ही बकवास वीडियो बने होंगे, बाकी आपको पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।